हंसना जरूरी है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, दिल दिमाग प्रसन्न रहता है। आदमी कई कारणों से हंसता है, खुशी में तो सभी हंसते हैं, कोई कोई दुख में भी हंसता है। कभी कोई संकट सामने देखकर भी हंसी आ जाती है, और खासकर जब संकट हमारी कल्पना से बहुत छोटा हो। कोई कोई झेप मिटाने के लिए, शर्म छिपाने के लिए भी हंसता है। किसी का स्वभाव ही हंसने का होता है, तो कोई सूरत से हंसमुख दिखाई देता है। इस कहानी के नायक का मामला कुछ अलग है। यह हमेशा हंसता है, लेकिन कभी अपने लिए नहीं हंसता, अपनी बातों पर नहीं हंसता, अपनी ओर से किसी बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं हंसता। कह सकते हैं कि इसे पता नहीं कि कब हंसना चाहिए और कब नहीं। यह एक तरह से हंसना भूल चुका है, फिर भी यह हमेशा हंसता है, हमेशा हंसने के लिए उपलब्ध रहता है, और हंसी ही इसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब कोई मुझसे ये सवाल करता है कि मेरा धंधा क्या है, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। मैं शर्म से लाल हो उठता हूं और हकला जाता हूं, जबकि लोग मुझे एक सधे हुए आदमी के रूप में जानते हैं। मुझे उन लोगों से जलन होती है जो ये कह सकते हैं कि मैं राजगीर हूं। मुझे नाइयों, मुनीमों और लेखकों से जलन होती है कि वे कितनी आसानी से बता सकते हैं कि वे ये हैं, क्योंकि ये सारे धंधे अपने बारे में स्वयं बोलते हैं, और उनके लिए लंबी चौड़ी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि मुझे ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ता है। मैं हंसूड़ हूं। इस तरह की बात स्वीकार करने पर एक दूसरी तरह की बात स्वीकार करनी होती है, क्योंकि मुझे एक दूसरे सवाल, क्या आप इसी से अपनी रोजी कमाते हैं, का जवाब सच्चाई के साथ हां में देना होता है। मैं सचमुच अपनी हंसी से ही अपनी रोजी रोटी चलाता हूं, और वो भी अच्छे ढंग से, क्योंकि व्यावसायिक दृष्टि से मेरी हंसी की बहुत मांग है। मैं अच्छा हंसूड़ हूं, अनुभवी हंसूड़। कोई और मेरे जितना अच्छा हंस ही नहीं सकता। किसी और का मेरी कला की बारीकियों पर इतना अधिकार नहीं है। एक लंबे अरसे तक तो उबाऊ सफाइयों से बचने के लिए मैं अपने आप को अभिनेता कहता रहा, लेकिन स्वांग और संवाद के क्षेत्र में मेरी प्रतिभा इतनी सीमित है कि मुझे यह खिताब सच्चाई से बहुत परे लगा। मुझे सच्चाई से प्यार है, और सच्चाई यह है कि मैं एक हंसूड़ हूं। मैं ना तो मस्खरा हूं ना हास्य अभिनेता। मैं लोगों को प्रफुल्ल नहीं करता, मैं प्रफुल्लता की तस्वीर पेश करता हूं। मैं एक रोमी सम्राट की हंसी हंस सकता हूं, या किसी भावुक विद्यार्थी की तरह। मैं 17वीं सदी की हंसी में उतना ही दक्ष हूं जितना 19वीं सदी की हंसी में, और जब मौका पड़ता है तो मैं तमाम सदियों, समाज के तमाम तबकों, सभी उम्रों की हंसी हंसता हूं। यह तो बस एक हुनर है जो मैंने सीखा हुआ है, जैसे जूतों की मरम्मत करने की काबिलियत होने का हुनर। अपने सीने में मैं अमरीका की हंसी, अफ्रीका की हंसी, सफेद, लाल, पीली हंसी संजोए हूं, और मुनासिब शुल्क लेकर मैं निर्देशक की जरूरत के हिसाब से इसे बाहर फूटने देता हूं। मैं उस स्थिति में आ पहुंचा हूं जहां मेरे बिना लोगों का काम नहीं चल सकता। मैं रिकॉर्डों पर हंसता हूं, टेप पर हंसता हूं, और टेलीविजन के निदेशक मेरे साथ आदर का बर्ताव करते हैं। मैं शोक की, संकोच की, उन्माद की हंसी हंसता हूं। मैं ट्राम के कंडक्टर की तरह हंसता हूं, या परचूनिये के नौकर की तरह। सुबह की हंसी, शाम की हंसी, रात की हंसी और छुटपुटे की हंसी। संक्षेप में ये समझ लीजिए कि जहां भी और जैसी भी हंसी की जरूरत होती है, मैं हंसता हूं। यह बताने की जरूरत नहीं कि इस तरह का धंधा उबाऊ होता है, खास तौर पर जबकि मैंने ऐसी हंसी में भी महारत हासिल कर ली है जो दूसरों को छूत की बीमारी की तरह पकड़ती है, और यह मेरी विशेष योग्यता है। इसने मुझे उस स्थिति में पहुंचा दिया है कि तीसरे और चौथे दर्जे के हास्य अभिनेताओं का भी मेरे बिना काम नहीं चलता, जिन्हें यह डर रहता है कि उनके श्रोता उनकी हंसी वाली पंक्तियों को नहीं पकड़ पाएंगे, और उनका यह डर अकारण नहीं है। इसलिए मेरी अधिकतर शामें रात्रि क्लबों में एक समझदार पेशेवर हंसूड़ की हैसियत से कटती है।
जहां मेरा काम होता है कार्यक्रम के कमजोर हिस्सों के दौरान इस तरह हंसना कि दूसरे भी हंसने लग जाए। इसमें होशियारी से समय चुनना पड़ता है। मेरी दिलखोल ठहाकेदार हंसी समय से बहुत पहले नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन ये समय के बहुत बाद भी निकलनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ठीक समय पर निकलनी चाहिए। पहले से तय किए समय पर मैं हंस पड़ता हूँ, तमाम श्रोता लोग मेरे साथ हंस देते हैं और इस तरह मजाक या हंसी का बिंदु बेकार चला जाने से बच जाता है। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं बिल्कुल पस्त हालत में अमानत कक्ष में पहुंचता हूं, अपना ओवरकोट पहनता हूं। मैं इस बात से खुश होता हूं कि चलो आखिर काम के घंटे तो खत्म हुए। घर पर मुझे आमतौर पर तार संदेश मेरा इंतजार करते मिलते हैं, आपकी हंसी तुरंत चाहिए, रिकॉर्डिंग मंगलवार को, और कुछ घंटे बाद मैं किसी बेहद गर्म एक्सप्रेस रेलगाड़ी में अपने भाग्य पर शोक करता बैठा रहता हूं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जब मैं काम पर नहीं होता या छुट्टियों पर होता हूं तो मुझे हंसने की इच्छा ही नहीं होती। ग्वाले को खुशी होती है जब वो गाय को भूल सकता है, राजगीर को तब जब वो कारे को भूल सकता है। और बड़हियों के घरों में आमतौर पर ऐसे दरवाजे होते हैं जो काम नहीं करते, या ऐसी दराजें जो मुश्किल से ही खुलती हैं। हलवाइयों को खट्टे अचार पसंद आते हैं, कसाईयों को बादाम की मिठाई पसंद आती है, और नानवाई को डबल रोटी से ज्यादा गुलमा या सासेज अच्छे लगते हैं। सांडों से लड़ने वाला कबूतर पालने का शौक रखते हैं, मुक्केबाज अपने बच्चों की नाक से खून बहता देख पीले पड़ जाते हैं। मुझे ये सब बिल्कुल स्वाभाविक लगता है, क्योंकि मैं जब काम पर नहीं होता हूं तो कभी नहीं हंसता हूं। मैं बहुत ही संजीदा व्यक्ति हूं और लोग मुझे शायद ही निराशावादी मानते हैं। शादी के पहले सालों में मेरी पत्नी अक्सर मुझसे कहती थी, हंसो भी, लेकिन अब वो ये महसूस करने लग गई है कि मैं उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मैं तब खुश होता हूं जब मैं अपने चेहरे की तनावग्रस्त मांसपेशियों को, अपनी तंत्र अंतरात्मा को अत्यंत गंभीरता में ढीला छोड़ सकता हूं। दरअसल दूसरों की हंसी से भी मुझे उलझन होती है, क्योंकि इससे मुझे अपने धंधे की याद हो आती है। इसलिए हमारा वैवाहिक जीवन खामोश शांत किस्म का है, क्योंकि मेरी पत्नी भी हंसना भूल चुकी है। कभी कभार मैं उसे मुस्कुराते हुए पाता हूं और मैं भी मुस्कुरा देता हूं। हम धीमी आवाज में बातें करते हैं, क्योंकि मुझे रात्रि क्लबों के शोर से चिढ़ है, उस शोर से चिढ़ है जो कभी कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से भरा होता है। जो लोग मुझे नहीं जानते वे सोचते हैं मैं कम बोलने वाला व्यक्ति हूं। शायद मैं हूं भी, क्योंकि मुझे अक्सर ही हंसने के लिए अपना मुंह खोलना पड़ता है।